हाय एवरीवन, हमारी बेसिक कुकिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नई रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी है दही बड़े। तो इसके लिए मैंने दाल ले लिया है। ये दाल उड़द की है, छिलके वाली। अगर आपके पास बिना छिलके वाली दाल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये दो कटोरी हम लेंगे। दो कटोरी लेकर इसे भिगो देंगे 4 से 5 घंटे। आप चाहें तो पूरी रात भिगो सकते हैं। और हम इसे भिगा देंगे। 4 से 5 बार हम दाल को पानी डाल के रगड़ रगड़ के धो लेंगे। इससे रगड़ने से छिलका उतर जाता है। चलिए दाल को मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ही लेकर पीसेंगे। अभी इसी तरह पीस लेंगे। उसके बाद पानी की ज़रूरत रहेगी तो पानी डालकर पीसेंगे। अभी ये सूखा है, इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे, 2 से 3 चम्मच। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह का पेस्ट बनाना है। अगर पीसने में पानी की थोड़ी सी ज़रूरत और हो तो आप और भी डाल लीजिएगा। तो इसी तरह का पेस्ट बनाना है इसको। ये देखिए इसी तरह से, अब बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो गीला हो जाएगा ज़्यादा, तो बन नहीं पाएगा। तो इस तरह से हम सारे दाल पीस लेंगे। फ्रेंड्स, दाल पीस के रेडी हो गया है। अब हम इसे फेंट लेंगे। तब तक फेंटेंगे जब तक कि हाथ में दर्द ना हो जाए। 5 से 7 मिनट तक इसे फेंटेंगे। ये दाल थोड़ा हल्का हो जाएगा। और एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे इसे। आप देख रहे हैं 5 मिनट से ज़्यादा हो गया, हाथ में दर्द हो रहा है। ये दाल फट चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे और हम इसे स्टीम में पकाएंगे। डीप फ्राई नहीं करेंगे। हेल्दी खाने के लिए हम इसे स्टीम में पकाएंगे। हम इसको चेक करेंगे कि ये फट गया है कि नहीं अच्छे से। देखिए, हम पानी में इसको डालेंगे कटोरी में और ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर फ्लोट करेगा। तो इसका मतलब है कि ये अच्छे से फिट गया है। ये देखिए पानी फ्लोट कर रहा है। तो यही इसकी असली पहचान है। अगर ये सही से नहीं फिटा रहेगा तो ये पानी में ऊपर नहीं आएगा और घुल जाएगा पानी में। इसकी यही पहचान है। इतना ही हमें फेंटना है इसे। फ्रेंड्स, अब कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 2 पीस तक हींग डाल देंगे। हींग का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और हींग तो ज़रूर डालना चाहिए, पचने के लिए बढ़िया रहता है, इससे पाचन क्रिया जल्दी होती है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, इडली स्टैंड में हम इसको स्टीम से बनाएंगे। तो इसको आयल से ग्रीस कर लिया है, अब इसमें डाल देंगे। चलिए स्टैंड में डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर कर देंगे इसे गैस को और 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। चलिए तब तक ग्रीन चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ये पुदीना के पत्ते लिए हैं, थोड़े से धनिया और थोड़े से लहसुन, 2 हरी मिर्च, तीखा आप अपने अनुसार कर सकते हैं, अदरक थोड़ा सा 1 इंच तक। और हम इसमें इमली का पानी डालकर पीस लेंगे। ये इमली का पानी डाल के पीस लेंगे। नमक स्वाद के अनुसार। ये चेक कर लेते हैं। तो चाकू से हम इस तरह से चेक करेंगे। ये देखिए चाकू बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब है कि पक गया है ये अच्छी तरह से।
अब हम इसे निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मैं इसे निकाल रही हूँ, ये बहुत गर्म है, ये एकदम आसानी से निकल रहा है। ये देखिए कितनी बढ़िया जाली बनी हुई है इसकी, एकदम सॉफ्ट। ये देखिए, चलिए मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, तो चलिए हम सारा निकाल लेते हैं प्लेट में। ये मैंने थोड़ी सी पापड़ी बना ली थी, इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, चलिए प्लेट में हम लगाना शुरू करते हैं भले पापड़ी को। पहले मैंने पापड़ी को रख लिया है, इसके बाद ये भल्ले रखेंगे। दही को डाल देंगे, मीठी चटनी, ये हरी चटनी डाल देंगे, और ये मसाला, इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है, काला नमक, चाट मसाला मिक्स करके ये मसाला बनाया है, सूखा हुआ पुदीना। तो चलिए अब हम आपको इसको काट कर दिखाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। तो आप भी इस तरह से बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।